के द्वारा वार्ड नंबर 11 के हमारे अधिकृत प्रत्याशी को, जिसका पति नगर पालिका परिषद बैहर में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, जिसको दबाव देकर फॉर्म उठाया गया कि उसको दैनिक वेतनभोगी से निकाल दिया जाएगा, काम करने नहीं दिया जाएगा, इस तरह के प्रलोभन और दबाव देकर उससे फॉर्म उठवाया गया, जिसकी हम सब लोग घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो चुनाव है उस चुनाव को धन बल का प्रयोग कर प्रभावित करने का प्रयास करती है, वो सीधे सीधे फाइट में आकर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो हमेशा इसी तरह से धन और बल का प्रयोग करके चुनाव लड़ने का प्रयास करती है। कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम नगर पालिका परिषद मलाजखंड में महगांव में था, वहाँ मुख्यमंत्री जी का आगमन नहीं हो पाया और तदुपरांत गौरी शंकर जी, बिसेन माननीय मंत्री, आयुष मंत्री जी और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा सभा को संबोधित किया गया। वहां पर गौरी शंकर जी ने एक अपने उद्बोधन में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के संबंध में कुछ बातें कही हैं। मैं उसके संबंध में आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि गौरी शंकर जी बिसेन मन से कमलनाथ जी को ललकारते हैं कि आप में दम है तो आकर चुनाव लड़ो, ये वही आदमी कर सकता है जिसकी कोई बखत ना हो। उनका मैं एक तरह से ये कहूँगा कि उनका जो बयान आया कमलनाथ जी को चुनाव लड़ने की जो ललकार उन्होंने दी, उनकी औकात नहीं है, उनकी बखत नहीं है कि वो इस तरह से हमारे नेता को और कमलनाथ जी को ललकार सकें, उनकी बैगी जूती नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो उनका ये बयान आया वो एक तरह से मानसिक दिवालियापन का है, जो उन्होंने इस तरह से बयान दिया है ललकारना, कहीं ना कहीं उनके मानसिक दिवालियापन का ये उदाहरण है। मैं इस उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं, उनकी वक्त नहीं है कि माननीय कमलनाथ जी को वो ललकार सकें और इस तरह से भाषा का प्रयोग सब कर सकें। हम सभी लोग उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि इस तरह का बयान उन्होंने जो दिया है, और आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद परिहर और नगर पालिका परिषद मलाजखंड में हम पूर्ण बहुमत के साथ हमारे पार्षद चुनकर आएंगे, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।